मधेपुरा का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा को आप देख रहे हैं, लगातार बने हैं और कुछ शायद वोटर्स भी उनके साथ हैं। अमिताभ, पिछली बार तो बिहार की आज जिन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है सब एनडीए के खाते में गई थी, इस बार क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्या मुद्दे जहन में जनता के, बात कीजिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मधेपुरा में जहाँ हमें पिछले बार जो 5 सीटों को जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है वो तमाम सीटें एनडीए के खाते में गए थे, और इस बार भी मतदान वहाँ पे जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं पिछले जो 2 चरण में मतदान हुआ था उससे कुछ बेहतर स्थिति हम बता सकते हैं कि बेहतर स्थिति है। अभी तक मधेपुरा में 1 बजे तक 36.14% मतदान हो चुका है। कुछ वोटर्स हैं जो वोट दे के अभी निकले हैं, क्या मुद्दा था इस बार और क्या सोचते, विकास हुआ 5 साल की नए उम्मीदवार यहाँ हैं उनको देंगे? सर, मुद्दा तो यही है कि नरेंद्र मोदी 15 साल मतलब देश चलाया, अब हम सोचते हैं कि मतलब चेंज कर दे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। हमारे देश में बहुत भुखमरी मतलब बेरोजगारी है, इसीलिए हम भी मतलब बेरोजगार हैं। हम इंटर पास है, मेरा बाबूजी मतलब शिक्षक हैं, राम प्रसाद जी उन्हीं का हम हैं। आपको क्या लगता है? हमको तो सब चीज़ ठीक लग रहा है। विकास हुआ है यहाँ? विकास ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। इसलिए जो अभी जो सांसद हैं वो 5 साल रहे हैं, क्या लग रहा है, नए उम्मीदवार भी हैं यहाँ पे? देखिए, जो भी हुआ है सब चीज़ ठीक हुआ है, समझे, इसमें कहने का कोई अति नहीं। तो मैंने मुद्दा क्या, देश भरते तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, मोदी हैं, क्या यहाँ पे क्या प्रभाव है? यहाँ पर प्रभाव सब चीज़ बोले ना ठीक है, इसमें क्या, आप बताइए वोट दे के आ गए? बिल्कुल। इस पर क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या आप चर्चा किस बात की है, मुद्दा क्या है? क्योंकि विकास सबसे बड़ी मुद्दा है, विकास आपका सबसे बड़ी मुद्दा है, और विकास अच्छा है, इसमें कोई दुमत नहीं है। जो रोड वाजपेयी के समय जो पास किया हुआ 114-13, आज के डेट में इनकी सरकार में रोड बना, अच्छा। 10 साल उसके पीछे समझ लीजिए कहीं कुछ उसका कोई नहीं। चलिए ठीक है अमिताभ, आप लगातार बने रहिएगा जनता के बीच, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन और देखिए, सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा भी वोट परसेंटेज सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 26.12% मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुका है, मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 30% तक रह गया है। महाराष्ट्र की बात कर ले सबसे धीमी रफ्तार के साथ 18.18%, पश्चिम बंगाल में तेजी यहां जरूर दिख रही है 32.82% मतदान सुबह 11 बजे तक पश्चिम बंगाल में हो चुका है। गुजरात में यही वोटिंग परसेंटेज 24.35% दर्ज किया गया है। अभी फिलहाल ये 11 बजे तक का आंकड़ा है और जल्दी चुनाव आयोग की तरफ से 1 बजे का, दोपहर 1 बजे तक का भी आंकड़ा जारी किया जाएगा और जल्द से जल्द हम उसको भी अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज सामने आया है तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त सबसे ज्यादा मतदान होता हुआ दिख रहा है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं इसके उलट महाराष्ट्र में उतनी ही धीमी रफ्तार 18% मतदान यहां पर दर्ज किया गया है महाराष्ट्र में। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम वोटिंग परसेंटेज सुबह 11 बजे तक 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। बिहार का आंकड़ा आप देखिए 24.41%, कर्नाटक का आंकड़ा सुबह 11 बजे तक 24.48%, छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो 29.90% मतदान हो चुका है, असम की बात कर ले 27.34% मतदान यहाँ हो चुका है, दमन दीव की बात कर ले 24.69% मतदान दमन दीव में सुबह 11 बजे तक हो चुका है। तो बिहार में भी रफ्तार हालांकि पिछले 2 चरणों की तुलना में फिर भी बेहतर कही जा सकती है। कर्नाटक में आप देख रहे हैं 24.48%, छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 29% तक जा पहुंचा है। और अगर हम 2019 के आंकड़ों से अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, अगर आज होने वाली जो सीटों का मतदान है तो कर्नाटक की क्योंकि 14 सीटों पर है तो 2019 में बीजेपी ने सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र की क्योंकि 11 सीटें हैं